बात करेंगे हल्द्वानी की। कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव के दौरान धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। कॉलेज परिसर के आसपास प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू की गई है, बावजूद उसके एमबीपीजी एबीवीपी प्रत्याशी के समर्थन में कॉलेज के बाहर छात्र नेता वह ईबीवीपी के कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहे हैं। कॉलेज के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ को भी तैनात किया गया। छात्र संघ चुनाव में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहा है। बता दें कि ये एमबीपीजी में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर के तमाम छात्र संगठन अब मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जहाँ पर आप सभी देख रहे हैं सभी जगह फोर्स तैनात है और जो वोटर्स हैं वो जा रहे हैं और जो लोग झंडे लेकर चल रहे हैं उनके झंडे हटाए जा रहे हैं। झंडे कहीं भी किसी भी दिशा में अनुमन्य नहीं है। बाकी एक उत्साह का माहौल है तो बच्चे ग्रुप में जा रहे हैं। किसी भी तरीके का अभी शांतिपूर्वक चुनाव की प्रक्रिया यहाँ संपादित हो रही है। देखिए आपने अभी अभी स्वयं भी देखा होगा, आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं कि जो लोग अगर झंडे लेकर आ रहे हैं उत्साह के माहौल को बनाते हुए तो उनके झंडे भी यहाँ लिए जाए। कोई प्रशासन के दबाव में काम नहीं हो रहा है। जो यहाँ से जुलूस निकाल रहे थे उनको हटा दिया गया है। धारा 144 लागू है। जो लोग वोट देने आ रहे हैं वो लोग वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं और हम लोग जब यहाँ पर घूम रहे हैं तो सबसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो जो लोग वोटर हैं वो वोट देने के लिए जा रहे हैं, तो इसको धारा 144 का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा क्योंकि वोटर को वोट देने का अधिकार है।